नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना दूध के सेवई। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाने में बहुत आसान है। ईद के त्योहार पर सभी घरों में सेवई बनते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं सेवई बनाना। सेवई बनाने के लिए हमने 150 ग्राम चीनी लिया है, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 8 से 10 दाना काजू, 8 से 10 दाना बादाम कटा हुआ, आधी छोटी चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच किशमिश, 4 बड़े चम्मच देसी घी, 200 ग्राम मावा। ये 200 ग्राम हमने बारीक सफेद सेवई लिया है। सबसे पहले हम सेवई को भूनेंगे। सेवई भूनने के लिए हमने एक लोहे की कढ़ाई लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। अब इस कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे और हल्का गर्म करेंगे, तब हम सेवई को भूनेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सेवई डालकर धीमी आंच में भूनेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा सेवई नीचे से जले ना। इस तरह हम लगातार चलाते रहेंगे और धीमी आंच पर भूनेंगे। लोहे कढ़ाई में सेवई भूनने से सेवई ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये हमारा सेवई सुनहरे कलर में भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई को उतार लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है, पतीले में आधा लीटर पानी लिया है, इसका हम सिरप बनाएंगे। अब हम पानी को खूब गर्म करेंगे, तब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चीनी को डाल देते हैं। अगर आपको मीठा और पसंद है तो आप और चीनी बढ़ा सकते हैं। अब हम चम्मच से लगातार चीनी को चलाएंगे और चीनी को गलाकर हम इसका सिरप बनाएंगे। ये चीनी हमारा गल गया है, अब हम इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। ये 5 मिनट हमारे हो गए हैं, ये हमारा सिरप बनकर तैयार हो गया है। अब हम सिरप में मावा को मिलाएंगे। अब हम चम्मच से चलाकर सिरप में मावा को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें हम किशमिश डाल देते हैं। काजू डालकर मिला लेते हैं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये सिरप हमारा आधे घंटे बाद अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, तब इसके बाद हम इसमें सेवई डालेंगे। अब इसमें हम भुना हुआ सेवई डाल देते हैं। इस सेवई को हमने डाल दिया है, अब इसे चम्मच से चलाकर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, इसे खिल जाए।
ये हमारा 2 मिनट हो गया है, सेवई हमारा फूलकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम बादाम और चिरौंजी डालकर गार्निश करेंगे। ये हमारा सेवई बनकर तैयार हो गया है। अगर आज की रेसिपी हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।